हीट रैश आजकल के एनवायरनमेंट के उच्चतम तापमान में हाई टेम्परेचर्स में हीट रैश एक बहुत कॉमन समस्या हो गई है, ख़ास तौर से बच्चों में। आज हम साथियों आपको बताएंगे मलेरिया या हीट रैश को कंट्रोल मैनेज क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं। मैं जब तक हूँ या जब नहीं हूँ पर हमेशा आपके साथ हूँ, कभी भी कहीं भी। मैंने होम्योपैथी से आज तक जो भी ज्ञान अर्जन किया है वह समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरल सुलभ समाधान के रूप में पहुँचे, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं इस कार्य को सफल स्वरूप देने में लगा हूँ। समाज के उत्थान के इस कार्य में मैं आपकी भी सक्रिय सहभागिता की अपेक्षा करता हूँ। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम साथियों बात करेंगे हीट रैश के विषय में। गर्मी आजकल ज़्यादा पड़ती है और बहुत बुरी स्थिति हो जाती है, कहीं कहीं टेम्परेचर 45 डिग्री 47 डिग्री 48 डिग्री तक होता जा रहा है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है और यह समस्या उत्पन्न करती है हीट रैश। पेशेंट इनसे परेशान रहते हैं, ख़ास तौर से बच्चों को ये बहुत ज़्यादा होता है। आज हम साथियों आपको बताएंगे हीट रैश को कंट्रोल मैनेज क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं हीट रैश होता क्या है। हीट रैश साथियों स्किन की वह स्थिति होती है जब सन के एक्सपोजर के कारण जो पसीना निकलता है वह स्किन पोर्स में ट्रैप हो जाता है, उससे निकल नहीं पाता है, तो वहाँ पर बम्प्स और ग्लिस्टर्स आने लगते हैं, वही स्थिति को हीट रैश कहते हैं। हीट रैश के सिम्टम्स को चार भागों में बांटा जा सकता है। पहली स्थिति होती है मलेरिया क्रिस्टलिना। मलेरिया क्रिस्टलिना में ये स्किन की सबसे ऊपर लेयर पर होती है और इसमें छोटे छोटे से जो स्वेट ट्रैप रहता है, छोटे छोटे से जो है वो इरप्शंस आ जाते हैं। यह माइल्डेस्ट फॉर्म होता है, सबसे कम घातक फॉर्म होता है। हीट रैश का दूसरा टाइप होता है मलेरिया रूब्रा। मलेरिया रूब्रा में साथियों जो हीट रैश होता है वो एपिडर्मिस के अंदर की लेयर में होता है और इसमें छोटे छोटे ब्लस्टर्स भी बन जाते हैं और स्किन में बम्प्स आ जाते हैं। तीसरा टाइप होता है मलेरिया पुस्टुला। मलेरिया पुस्टुला में जो ये बम्प्स आते हैं इनमें पस फॉर्मेशन होने लगता है। और चौथा जो सबसे रेयर भी होता है लेकिन घातक भी होता है वह होता है मलेरिया प्रोफाउंडा, जिसमें कि बड़े बड़े ब्लिस्टर बम्प्स और पस्टुलर फॉर्मेशन होने लगता है जो कि मेडिकल अटेंशन रिक्वायर करता है। कारणों की बात कर लेते हैं। मलेरिया या हीट रैश का सबसे बड़ा रीज़न होता है जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं उनकी जो डक्ट होती हैं वह जब ब्लॉक हो जाती हैं और स्वेट उसमें इंट्रैप्ड हो जाता है, वह ही कॉज होता है हीट रैश का। लेकिन साथियों समस्या है तो समाधान है, हम आपको बताएंगे हीट रैश को कंट्रोल मैनेज क्योर करने की संभावित होम्योपैथिक दवाएं। दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। चलते हैं साथियों सफ़र पे, आपको बताते हैं मलेरिया या हीट रैश को कंट्रोल मैनेज क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं। नंबर एक दवा साथियों जो होम्योपैथी में हीट रैश या मलेरिया को ठीक करने की आती है वह है एपिस मेलिफिका। एपिस मेल 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में दी जा सकती है जब पेशेंट को हीट रैश हो रहा हो, उनको प्रिकिंग सेंसेशन हो रहा हो, प्रिकली टाइप सेंसेशन हो रहा हो, चुभन महसूस हो रही हो, वैसी स्थिति में यह दवा लाभ देगी। एपिस के पेशेंट को प्यास बिल्कुल नहीं लगती है और स्किन में इन्फ्लेमेशन आ जाता है। हीट रैश का साथियों एक सिम्टम होता है जब मरीज को हीट रैश हो जाते हैं और उनकी स्किन में बहुत इचिंग यानी खुजली होने लगती है और पस्टूल्स आ जाते हैं। यदि यह समस्या हो तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है सल्फर।
सल्फर 1 mg की एक खुराक वीकली ली जा सकती है। अगर स्किन में इचिंग हो रही हो, हीट रैश हो, पेशेंट को मीठा खाना बहुत पसंद हो, लगातार उनके कॉन्स्टिपेशन बना रहता हो, उनका लाइफ स्टाइल ऐसा हो कि रात में देर से सोते हों, सुबह देर से उठते हों, वैसी स्थिति में यह दवा लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों कि किसी पेशेंट को हीट रैश हो गए और जब उन्हें ज़्यादा एक्सर्शन पड़ता है, खेचल पड़ती, मेहनत पड़ती है, तो यह हीट रैश, चुभन, गड़न, स्किन में पस्टियोज और इचिंग उभर आती है। उनका शरीर बहुत गर्म रहता है, तो अगर यह सिम्टम्स हों तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है नैट्रम यूरेटिकम। नैट्रम और 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के बाद पेपर वीकली दी जा सकती हैं। यदि एक्सर्शन, मेहनत यानी खेचल से पेशेंट को एग्रवेशन होता हो, उनको हीट रैश में तकलीफ पड़ जाती हो और जब भी वो सन में निकलते हों तो बहुत फ्रीक्वेंट उन्हें हीट रैश हो जाते हों और उन्हें नमकीन खाना बहुत पसंद हो, यह दवा इसी स्थिति में लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों कि पेशेंट को पस फॉर्मेशन हो रहा हो, पेशेंट के हीट रैश हो रहा हो, उसमें पस्ट्यूल्स बन रहे हों और उसमें पस फॉर्मेशन हो रहा हो, अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की दवा है हिपरसल्फर। हिपरसल्फर की 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के पास ले पे दी जा सकती हैं। यह दवा ऐसी स्थिति में आराम देगी। एक स्थिति आती है साथियों कि बच्चों में हीट रैश हो जाए और उनको रेड कलर के पिंपल्स निकल आए, पेशेंट को बहुत तकलीफ हो रही हो, तो अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति की दवा है एकोनिटम नेप्लस। एकोनाइट 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। यह दवा हीट रैश के ऐसे केसेस में लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों बच्चों में हीट रैश हो गई हो और उनको बहुत चिड़चिड़ापन हो, तकलीफ तो हो ही भाई, खुजली भी हो, जलन भी हो, लेकिन इरिटेबल बहुत हो, तो अगर यह स्थिति हो तो उस स्थिति को ठीक करने और हीट रैश को ख़त्म करने की होम्योपैथी में दवा है कैमोमिला। कैमोमिला 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार बच्चों को दी जा सकती है। यह एक संभावित दवा है जो बच्चों को हीट रैश में लाभ देगी। ये साथियों कुछ दवाएं थी हीट रैश की यानी कि मलेरिया की। दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। हमें साथियों इंतजार रहेगा आपकी राय का, आपके कमेंट्स का, कमेंट पोर्शन में लिख के हमको बताइएगा, इससे हमको आगे के वीडियोस की दिशा मिलेगी। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर प्रयास करेंगे, निवेदन करेंगे। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you.